Hello students, welcome to Maths and Science Zone. In chapter Chemical Reactions and Equation, you will study what are chemical reactions, what are chemical equations, balancing of chemical equations, activity 1 and activity 2 of NCERT. You will also observe about the representation of chemical reactions and you will be taught about the skeletal chemical equation. In chemistry, chemical reactions and equations, and class 1, video 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस चैप्टर का जो टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है. केमिकल रिएक्शन होती क्या है? पहले केमिकल रिएक्शन जब कोई भी कंपाउंड एटम्स का बना हो, कोई भी कंपाउंड अपने आप को ब्रेक करता है या किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है और कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो हम उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये दो वर्ड पढ़े थे क्लास 9th में, याद है ना? फिजिकल चेंज क्या होता था? फिजिकल चेंज जिसे रिवर्स किया जा सकता था, पानी को गर्म किया, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल चेंज है. वापस स्टीम जो है फिर से कंडेंस होके वाटर बन जाएगी, वाटर फर्दर और कंडेंस होने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस फिर से मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग होके फिर से वाटर बन जाएगी, यानी वाटर के साथ आइस का फॉर्म होना या स्टीम का फॉर्म होना सब फिजिकल चेंज था, ठीक है ना? लेकिन केमिकल चेंज इज समथिंग जिसमें न्यू कंपाउंड्स का या न्यू थिंग्स का फॉर्मेशन होता है. फिजिकल चेंज में कहीं कोई न्यू चीज फॉर्म नहीं होती, वही चीज जो है वो अपने स्टेट को चेंज कर लेती है. लेकिन केमिकल चेंज जो है उस केमिकल चेंज में न्यू थिंग्स का फॉर्मेशन होता है और केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? तो जो केमिकल चेंज वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9th में, उसी का थोड़ा सा अपर स्टेप है केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस तो तुम क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन अब उस केमिकल रिएक्शंस का बैलेंसिंग सीखोगे, केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन सीखोगे और इक्वेशंस वर्ड का भी मीनिंग सीखोगे, ठीक है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. अच्छा, यू मस्ट हैव रेड इन एनसीईआरटी फर्स्ट पेज कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तो मिल्क में चेंजेस आ जाते हैं. अच्छा, बायोलॉजी में आपने ये सीखा कि मिल्क जो होता है वो लैक्टिक एसिड का बना हुआ होता है. अब लैक्टोज शुगर का होता है, लैक्टोज शुगर उसमें पाई जाती है, वो ग्रेजुअली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो मिल्क का सार टेस्ट डेवलप कर देता है. इसको हम कहते हैं मिल्क खराब हो गया. और यही जब हम सेल्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुद करते हैं, जिसको हम दही बनाना कहते हैं, कर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, तो हम खुद उसमें थोड़ा सा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन डालते हैं, जिसकी वजह से फर्दर उसके सारे जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये हम लोगों ने जानते हैं ना, अगर जनरली कभी सोचा हो कि कैसे दूध से दही बन जाता है, तो दूध से दही का बनना भी एक केमिकल चेंज है. ये उसके बारे में हमारा पहली लाइन बात कर रही है. अच्छा, इन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर. तो क्या तुमने देखा कभी अपनी डे टू डे लाइफ में, तुमने देखा कि कोई भी कील है, कोई भी ऐसी चीज पे वार्निश नहीं हुई है, पेंट नहीं हुआ है, प्राइमर नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है. जंग क्या होती है? आयरन की ऑक्साइड होती है. तो आयरन की ऑक्साइड जंग लगना शुरू हो जाती है और कोई भी लोहा धीरे 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 वीक होता चला जाता है जैसे जैसे उसमें जंग लगती है. तो जंग लगना भी क्या है? एक केमिकल चेंज है. दूध से दही बनना भी एक केमिकल चेंज है, दूध का खराब होना भी एक केमिकल चेंज है. जब खाने को पकाया जाता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है. आप वापस नहीं कर सकते, पके हुए खाने को कच्चा नहीं कर सकते हो. और जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड फिर से रॉ फॉर्म में नहीं आ सकता है. हमारा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है. कैसे रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है? जब तुम रेस्पायर करते हो तो क्या करते हो, तुम्हारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसमें तुम ऑक्सीजन तुमने इनहेल करी, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज को तोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम सांसों से रिलीज कर देते हो, साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज कर देते हो, और ये ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी मतलब जो ग्लूकोज ब्रेक होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो वो जो वाटर होता है वो तुम्हारी बॉडी में भी वाटर की पूर्ति करता है, प्लस साथ में एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी तुम अपने डे टू डे वर्क के लिए अपने मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज करते हो इस एनर्जी को. यही हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसीलिए तो हमें हर 4-6 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है कि सारा का सारा ग्लूकोज जो भी हमें फूड से मिला वो सांसें लेते लेते ऑक्सीजन लेने से ग्लूकोज ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर दी, वाटर बॉडी में यूटिलाइज हो गया, एनर्जी हमने अपने डे टू डे वर्क में अपने ऑर्गन्स को चलाने में यूटिलाइज कर ली. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बार बार भूख न लगे तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है, सांस लेना बंद कर दो, और जैसे ही तुम सांस लेना बंद करोगे पक्का आई गारंटी तुम्हें भूख नहीं लगेगी. तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक वन ऑफ द केमिकल चेंज है.
तो रेस्पिरेशन में भी हमारी बॉडी में जो एनर्जी डेवलप होती है वो केमिकल चेंज से होती है। तो हमारे जो फर्स्ट पेज पे सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब के सब केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक तुम्हें वहां पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक डायग्राम दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें एक पार्ट ये भी बताया गया कि मैग्नीशियम रिबन को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का कारण क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम की ऑक्साइड लेयर्स बन जाती हैं और उन ऑक्साइड लेयर्स को साफ किया जाना चाहिए। और अगर वो साफ नहीं करोगे तो जो मैग्नीशियम बर्निंग पे एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है, जैसे फुलझड़ी जलाते हो दीपावली पे, एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, लगभग वैसे ही तुम्हें जब मैग्नीशियम रिबन जलाओगे तो एकदम एकदम चमकदार व्हाइट फ्लेम सा नजर आएगा, अगर वो मैग्नीशियम साफ सुथरा है तो। और अगर वो साफ सुथरा नहीं है और उसके ऊपर कार्बोनेट लेयर्स बनी हुई है, ऑक्साइड लेयर्स बनी हुई है और उनको क्लीन नहीं किया गया है, तो वो कार्बोनेट लेयर्स की वजह से उतना डेजलिंग व्हाइट फ्लेम नहीं आता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इस केस में आपको मैग्नीशियम की जो बर्निंग है उसको एक केमिकल चेंज के रूप में ही स्टडी करना है और मैग्नीशियम रिबन को हमेशा साफ करके ही जलाया जाना चाहिए। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को साफ करके नहीं जला रहे हो तो उस केस में आपका मैग्नीशियम उतना डेजलिंग व्हाइट फ्लेम नहीं देगा। ये वन वी टॉक्ड अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, है ना, सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया था। और एक मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करते हैं और मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि व्हाइट पाउडर होता है, और ये व्हाइट पाउडर जो है ये डेजलिंग फ्लेम के साथ फॉर्म होता है। हम लोग इस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि मैग्नीशियम बर्न करते वक्त कैसा कलर शो करता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो बनता है वो किस कलर का बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है। जो व्हाइट पाउडर बनता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की और कार्बोनेट की लेयर्स बन जाती है। मैग्नीशियम को ओपन एयर में जब छोड़ा जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की और कार्बोनेट की लेयर बना देता है, तो उसको रब करके मैग्नीशियम को लेयर साफ कर ली जाती है और प्योर जो मैग्नीशियम होता है उसको बर्न करते हैं ताकि हमें अप्रोप्रिएट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिले। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क के इससे बनते हैं। अब इसी के नीचे देखो मैंने ये चीज लिखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शन को दिखाने का एक तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वर्ड रिएक्शन, शब्दों वाले से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। दिस इज अ वर्ड रिएक्शन, हमने वर्ड में इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसी जब वर्ड रिएक्शन को हम इसके प्रॉपर सिंबल्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, O2 क्या है, गैसियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, हमेशा मॉलिक्यूल O2 का फॉर्म करता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये भी क्लास 9 में हम लोगों ने फॉर्मुला मेकिंग पढ़ा था, Mg जो है वो 2+, याद है, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर 2, 8, 2, और लास्ट के 2 को वो रिमूव कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, Mg2+ का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, याद आया, 2 और 6 Kl शेल में भरते हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्रिस्क क्रॉस मेथड, Mg2O2, 2 2 दोनों सेम हैं तो उनको रिमूव करके MgO रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लास 9 में आपने क्रिस्क क्रॉस मेथड से फॉर्मुला मेकिंग सीखी थी, सेम उसी फॉर्मुला मेकिंग से यहां MgO हम लोगों ने फॉर्म कर रखा है। तो ये जो MgO का रिप्रेजेंटेशन है एज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम एज अ एलिमेंट जो मैग्नीशियम रिबन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी एक वर्ड रिएक्शन हुई और ये हमारा उसका केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करने की बात करते हैं, जो हमारा अगला पार्ट आता है कि हमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो बैलेंस करनी होती है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल जो इक्वेशन है उसमें केमिकल इक्वेशन वो तभी इक्वेशन के फॉर्म में कहलाती है जब उसके दोनों साइड जितने भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट यूज किए गए हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे बराबर हैं। जैसे अभी इसी वाली रिएक्शन को मैं फटू, केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग बहुत डिटेल में अभी मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, बस ये एक हिंट के रूप में समझो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। अब आप क्लियरली देखो यहां पे जो मैग्नीशियम का एलिमेंट था उसका एक यहां पे एटम Mg है लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां पर मैग्नीशियम का 1 है ऑक्सीजन का 1 है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन 2 हो रही है और यहां 1 हो रही है,
तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लगा लेते हैं। यहां हमने जैसे ट्वाइस लगा दिया, तो दो मैग्नीशियम के एटम हो गए और दो ऑक्सीजन के हो गए। अब ये कैसे सोचा, ये प्रॉपर बैलेंसिंग में भी सिखाऊंगा। तो यहां पर दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन थे, यहां पर भी एक टू लगा लिया। अब अगर हम पूरी साइड में गौर करें तो ये पार्ट जो कहलाता है रिएक्टेंट्स, उस रिएक्टेंट्स वाली साइड में मैग्नीशियम के दो एटम है, ऑक्सीजन के भी दो एटम है, O2 में दो ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व है। और MgO पे अगर आप गौर करो तो ट्वाइस MgO हो गया, तो मैग्नीशियम के भी दो एटम और ऑक्सीजन के भी दो एटम रिप्रेजेंट हो गए। तो यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो राइट हैंड साइड होती है उसको प्रोडक्ट साइड बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है, दोनों में दो तरह के एलिमेंट्स यूज हुए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, और दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वी विल बी डूइंग सेवरल बैलेंसिंग्स रिलेटेड टू इट। ये हम लोगों की एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1 भी है, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 जो एनसीईआरटी की है, उसमें लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करने के लिए बोला गया है। पहले तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस होता है, इफ पीपल रिमेंबर, Pb हमारा 2+, NO3 हमारा 1-, है ना, 2+ चार्जेस होते हैं, NO3 हमारा 1-। जो क्लास 9th में रेडिकल्स याद किए थे वो सारे प्रॉपरली रिवाइज कर लो, क्योंकि क्लास 10th में उसका बहुत ज्यादा यूज होना है। तो Pb2+ था, NO3 1- था, क्रिस क्रॉस मेथड से PbNO3 होल ट्वाइस बना। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम में के जो है आपका वो क्या है 1+, आयोडीन क्या है 1-, क्रिस क्रॉस से Ki का फॉर्मेशन हुआ। तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। अब हमारा जो एक्टिविटी है वो मेनली कहती है कि इसमें होगा क्या, अगर आपने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन मिलाया तो उसके इसमें एक्वस सॉल्यूशंस के मिक्सचर से तैयार क्या होता है। तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट तैयार होता है। इसमें ये शब्द प्रेसिपिटेट आपका नोन है कि नहीं, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब कोई दो सॉल्यूशंस मिले तो उनमें वन ऑफ द हेवियर सॉल्यूशन जो नीचे सेटल हो जाता है, उस नीचे सेटल होने वाले सॉल्यूशन को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, इन जनरल लेमैन लैंग्वेज। ये प्रेसिपिटेट क्या है कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर बीइंग कंबाइंड, तो जो सॉल्यूशन में हेवियर पार्ट नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, वो हेवियर पार्ट आपका टेस्ट ट्यूब पे दिखेगा, नीचे की तरफ सेटल दिखेगा, वो येलो से कलर का होगा, वो क्या होगा, लेड आयोडाइड होगा। लेड आयोडाइड क्यों बना, Pb2+ था और आयोडीन 1-, था, तो क्रिस क्रॉस मेथड से PbI2 का फॉर्मेशन हुआ, लेड आयोडाइड बना और ये येलो प्रेसिपिटेट है। साथ में ऊपर जो सॉल्यूशन बनेगा वो पोटेशियम नाइट्रेट का बनेगा, KNO3, क्योंकि NO3 के फॉर्म में हुआ, Kb1+ था, NO3 भी 1- था, तो क्रिस क्रॉस से सीधा KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारी एक्टिविटी 2 है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2+ KNO3। अभी ये मैंने तुम्हें केमिकल रिएक्शन तो लिख ली, मैं इसको इक्वेट करके तुम्हें नहीं दिखा रहा, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बैलेंसिंग का एक जस्ट हिंट दिया है, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग तुम्हें क्लास 9th में भी आती है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करना। सिर्फ तुम्हें ध्यान क्या रखना है बैलेंसिंग करते हुए, कि जितना इसमें कितने रिएक्टेंट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड, उसमें रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट्स यूज हैं, पीबी एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, 3 इधर हो गए, पोटेशियम एक एलिमेंट है 4, आयोडीन एक एलिमेंट है 5, 5 एलिमेंट्स का प्रयोग है, और वही 5 सेम एलिमेंट्स यहां पर भी होंगे, और यहां पर लेड का 1 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3×2 6 एटम है, पोटेशियम का 1 एटम है, आयोडीन का 1 एटम है। यहां पे लेड का 1 एटम है, बराबर है आयोडीन का 2 एटम है, जबकि यहां पे 1 था, यानी बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, इतना तो ऑब्जर्व हो गया होगा ना, यहां आयोडीन का 1 एटम था, आयोडीन के 2 एटम्स है, तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड बैलेंस नहीं है। यहां पोटेशियम का 1 एटम है, यहां भी 1 था, नाइट्रोजन का यहां 1 एटम है, लेकिन यहां पर 2 एटम है, तो यहां पर भी बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन के यहां 6 थे, यहां ऑक्सीजन के 3 ही है, तो यानी नाइट्रोजन को भी बैलेंसिंग चाहिए, ऑक्सीजन को भी बैलेंसिंग चाहिए, और आयोडीन को भी बैलेंसिंग चाहिए, हर एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। ये आज तुम प्रैक्टिस करोगे कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू बैलेंसिंग कैसे करती है, बट अपना दिमाग लगाओ कि हम यहां पर कौन सा कांस्टेंट वैल्यू लगा दें, क्योंकि बैलेंसिंग करते वक्त हमें सिर्फ इस जगह पर कांस्टेंट वैल्यूज ही लगाना अलाउड है। यहां पर कोई एक्स वैल्यू रख सकते हैं, यहां कोई वाई वैल्यू रख सकते हैं, यहां कोई जेड वैल्यू रख सकते हैं, यहां कोई के टी वैल्यू रख सकते हैं, या मैंने कुछ और माना, क्या मानू, चलो अल्फा मान लेता हूं, अल्फा वैल्यू रख सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड अल्फा, ये क्या है, 1, 2, 3, कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, उन कांस्टेंट वैल्यूज को हमें जज करना है। हो सकता है यहां वैल्यू 1 हो और 1 को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, किसी जगह पर आपको बैलेंसिंग करने के लिए किसी एक के आगे कांस्टेंट ना भी लगाना पड़े, ठीक है। तो ये अभी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे इसी वाली रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। सारे एलिमेंट्स काउंट करेंगे, हर एलिमेंट के एटम काउंट करेंगे, दोनों साइड बराबर है कि नहीं, इस चीज को जज करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी 3 है, उस एक्टिविटी 3 के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 3 में आपको दिया हुआ है कि एक जिंक एटम है,
उस जिंक एटम को आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं और कॉनिकल फ्लास्क में उसके साथ कुछ डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेना है। तो जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, अगर जो बच्चे HCl लेना चाहे वो HCl ले लेंगे, जिंक का क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। और अच्छा ये तुम लोगों को याद है ना कि अगर कोई भी एलिमेंट दो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है तो उसका पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। तो यहां पे मेरा ये सी कैपिटल है, ठीक है, सी मेरा कैपिटल है और एल मेरा स्मॉल है, और एच टू यहां पे फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर जिन बच्चों ने एच टू एस ओ फोर ले लिया तो उनके केस में क्या होगा, यहां पे जिंक का सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, जिंक टू प्लस था, सीएल वन निगेटिव था, हाइड्रोजन वन पॉजिटिव था, सल्फेट एसओ फोर टू निगेटिव था, ये सब आयनिक फॉर्म्स सबके याद है ना। अगर नहीं याद है फिर से बोल रहा हूं, क्लास नाइन की बुक से रिवाइज कर लो। जिंक टू प्लस था इसीलिए सीएल के साथ कंबाइन हुआ, क्रिस क्रॉस में जेड एन सी एल टू बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एच टू में जाता है तो एच टू मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट किया। यहाँ जेड एन एसओ फोर क्यों बना, एसओ फोर भी टू निगेटिव था, जेड एन भी टू पॉजिटिव था, तो क्रिस क्रॉस में इनके यहां पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिखाने पड़े, हाइड्रोजन एज अ मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ फॉर दी एक्टिविटी नंबर थ्री। और उसमें करने के लिए क्या देना है, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यस देयर विल बी अ चेंज, क्योंकि जिंक जब एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पर हीट जनरेट होगी। ये जो चेंज पूछ रहे हैं तुमसे ना, इससे वो क्या पूछना चाहते हैं, इससे वो ये पूछना चाहते हैं कि रिएक्शन का टाइप क्या है। तो इससे हम लोग दो तरह के रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट तुम्हें रिलीज होती नजर आए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें तुम्हें हीट रिलीज होती नजर आए, रिलीजेस हीट, रिएक्शंस विच रिलीजेस हीट, रिएक्शंस विच रिलीजेस हीट, एक्सो बाहर निकलना, थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट का निकलना, रिएक्शंस विच रिलीजेस हीट, और इसी का जो एंडोथर्मिक होता है, एंडो एंडो अंदर जाना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब हीट, इन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी तुम्हें हीट या तो देनी पड़ती है या फिर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से रिएक्शंस ठंडे पड़ जाते हैं। तो दोनों ही एब्जॉर्प्शन के केस हैं, अगर तुमने हीट दी है तो वो हीट भी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट तुम्हें देनी पड़ी, एक्सटर्नली सप्लाई करनी पड़ी, तो भी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट बाहर निकल रही है, गर्म हो जा रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अच्छे से याद रखना है, इसको कॉपी में लिख भी लेना है कि कौन से एंडोथर्मिक होते हैं कौन से एक्सोथर्मिक होते हैं। डेफिनेशन, द रिएक्शन विच रिलीजेस हीट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, सच रिएक्शंस इन विच द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या क्या चीजों से आपका एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो रिप्रेजेंट होता है। तो वो किन किन चीजों से रिप्रेजेंट होता है, चेंज इन स्टेट से। स्टेट का मतलब यूपी से मध्य प्रदेश चला जाएगा, कोरोना वायरस चल रहा है, नहीं जाएगा, अरे भाई नहीं, चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्जन, या फिर चेंज इन कलर। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर, जैसे भी हम लोगों ने देखा था कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या शो कर रहा था, कलर का चेंज शो कर रहा था, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस निकल रही है, गैस रिलीज हो रही है, जैसे भी हमारे पिछले रिएक्शन में एच टू एज अ गैस निकल रही थी, या फिर चौथा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, जिसके बारे में भी मैं कह रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक और हम लोग एनसीईआरटी में यही चार दिए हैं, मैं एक और के बारे में बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो हमारा पिछला रिएक्शन था लेड वाला, उस लेड वाले रिएक्शन में जिसमें लेड नाइट्रेट को हमने रिएक्ट कराया था पोटेशियम हाइड्राइड से, उसमें फॉर्मेशन जिसका हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हम उस प्रेसिपिटेट को भी वन ऑफ द केमिकल चेंज का पार्ट मानते हैं। तो इन पांचों में से कोई भी चीज अगर तुम्हें मिल रही है, चेंज इन स्टेट मिल रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्जन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में स्टेट का बदलाव है, तो हम उसे चेंज इन स्टेट का पार्ट मानते हैं। चेंज इन कलर का पार्ट, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है या सिंपली सॉल्यूशन में कलर का चेंज हो जा रहा है, कोई गैसेस रिलीज हो रही हैं, टेम्परेचर में एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, वन और मेनी कैन हैपन इन अ सेम केमिकल रिएक्शन, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ एक जरूर होगा, और यही केमिकल रिएक्शन के होने का एक प्रूफ से होते हैं, ठीक है। तो इन पांचों को हमें बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि इन पांचों को हम किस तरह से याद करेंगे, इन पांचों को हम ऑब्जर्वेशंस के रूप में याद करेंगे कि दीज आर द ऑब्जर्वेशंस जो एक केमिकल रिएक्शन का होना रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने आज, मैं क्लास वन खत्म कर रहा हूं, हम लोगों ने एनसीईआरटी से 2.5 पेज पढ़ ली है, ठीक है। उस 2.5 पेज में एक छोटी सी बात मेरी रह गई है, 2.5 पेज मतलब
टॉपिक 1.1.1 तक ये आप लोगों को रीड करना है। एक छोटी सी बात बस मेरी रह गई है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होता है? स्केलेटल वैसे क्या होता है, इंसान का स्केलेटल क्या होता है? कंकाल। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होगी? कंकाल की रिएक्शन? नहीं, क्या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है? जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस छोड़ देते हो, जैसे हम लोगों ने सबसे पहली रिएक्शन आज की क्लास में क्या पढ़ी, MgO2 gives MgO। अगर मैं इसको अभी बैलेंस ना करूं और इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो दिस इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। अगर मुझे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इफ द इक्वेशन इज लेफ्ट अनबैलेंस्ड, और जो एलिमेंट्स नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है उनका मास भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोले या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोले, मोर एप्रोप्रिएटली इट इज बीइंग आस्क्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सच इक्वेशंस इन विच द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज नॉट सेम, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस।